से वापस आते टाइम टाइम जो हो गया था 9:30 हो गए थे, तो हम लोग ज़्यादा थक गए थे चलकर, तो हम लोग बेसिकली सिंपल सा सो गए थे। और सुबह उठकर इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी जो हम लोग जा रहे हैं, हमने 2 दिन के लिए कैब वाले को ट्रिप प्लान किया, जो भी उसके मेन्यू में है वो भी हम लोग घूम कर आएंगे। जो मेन है वो तो पहले घूमेंगे ही, तो 2 दिन तो पूरा यहाँ का घूमना है, पूरा एक्सप्लोर करना है। बाकी अभी सुबह के बज चुके हैं 9, और आपको व्यू दिखा देता हूँ। आज भी सुबह उठने में लेट रहा है। ये रहा अपना मॉर्निंग व्यू, सामने वो आप उधर देख रहे हो, वहाँ एक टेंपल है जहाँ मैंने बताया था कल भी, वहाँ दोनों टाइम आरती होती है, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन आज नहीं जा रहे हैं, कल जाएंगे, क्योंकि आज जो हमारी कैब है वो नीचे वेट कर रही है। तो फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी, एक बैग मैंने अपना रेडी कर लिया है, और साथ ही सारे कपड़े ऐसे ही फैला कर रख दिए, और बस अपने को एक हेडफोन लेना है ताकि ट्रैवल में करते हो थोड़ा टाइम ना हो, एक पावर बैंक और एक गॉगल्स रख लिया, एक और एक्स्ट्रा गॉगल्स है वो भी रख लिया है, देखते हैं किस में फोटो अच्छे आते हैं उस वाले गॉगल्स को यूज़ कर लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा जैकेट रख ली है यहाँ से जाने के लिए, अगर हमको रास्ते में ठंड वगैरह लगती है तो वो फैलने के काम में आएगी। बाकी अब चलते हैं सीधे, ट्रिप तो रोल होने वाली है, नीचे कैब वेट करी, फटाक से चलते हैं। कितना टाइम हो गया, 10:55 हो गया आप लोगों को। उन्होंने 12 साल तपस्या करने के बाद इस नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो निकला था। पार्वती नदी कितने पड़ेगी जी? पार्वती नदी तो आगे वाली साइड से। हाँ जी, शिमला में क्या फर्क है यहाँ से? शिमला में, शिमला भी हिल एरिया है और यहाँ भी हिल ही है। मनाली में बर्फ होता है, शिमला में बर्फ नहीं होता। ये रोड सारा टूट गया था देखो बरसात में, नदी का जो चौड़ापन देख रहे हैं ना आप, ये रोड बच्चा ही नहीं था, मतलब यहाँ ऐसे पत्थर थे। हाँ, कोई गाड़िया नहीं चलती थी यहाँ। रूम से आने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है पैराग्लाइडिंग करने के लिए, तो पैराग्लाइडिंग करता हूँ। और उसके लिए पहले मेरे को फॉर्म फिल करना होगा, फॉर्म फिल करके सारे डॉक्यूमेंटेशन काम पूरा करके चलते हैं पैराग्लाइडिंग। पहली टाइम का एक्सपीरियंस होगा, देखते हैं कैसा। नहीं, बस एक बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ वीडियो बनाने के लिए अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, वो मैं डिसाइड करके देखता हूँ कि अगर चार्जेस सही लगे तो उनसे वीडियो बना लूँगा, वरना अपने ही रिस्क पे मुझे इसी फ़ोन से खुद से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसके बाद मैं पूरा व्यू कैप्चर करूँगा, और पैराग्लाइडिंग का जो एडवेंचर होता है ना वो फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस करूँगा, इसलिए वीडियो तो चाहे तो फ़ोन की रिस्क पर लेनी पड़े, चाहे एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़े, वीडियो जरूर कवर करूँगा। तो चलते हैं, तो फटाक से मैं अपना फॉर्म फिल करता हूँ। फॉर्म का मेन पर्पस यही है, हाथ पैर टूट जाए जिम्मेदारी नहीं। कैसे वैसे भैया, ये सेफ तो होता है ना? नहीं, मरने के लिए भेज रहा हूँ आपको। तो ये धड़कने पड़ेगी। हाँ, कुछ नहीं है, देखते हैं। वैसे अब तो वीडियो में ही देखा है। लास्ट टाइम है आपका। जिंदा वापस ले आओगे? कोई पता नहीं भाई, चलो रिस्क ले ही लेते हैं, इतनी दूर से आया मेरे लिए। तो साथ ही लिख दिया, ठीक है। अच्छा काम किया होगा तो भाई बच जाएंगे, बुरा काम किया होगा तो बचेंगे, तो अच्छा चांस कम पड़ेंगे मेरे। डेट चार है आज? हाँ जी, हाँ जी, ठीक तो भाई भर लेते हैं। साइन मार लो भाई, कैंडिडेट के साइन हो गए, टॉप करूंगा या फेल होगा। टॉप कर दिया तो और मजा आएगा। फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद अब जा रहे हैं यहाँ से, टेक ऑफ हम लोग करेंगे, वहाँ के लिए जा रहे हैं, तो एक रिस्क पैटर्न ये है। करने से पहले मैंने यहाँ पे एक ट्रेन ले ली है, सोचो मैं लौट कर देखूंगा तो कैसी रहेगी, अपनी ट्रेन को कैरी करके जाऊंगा। बाई चांस अगर इसका एसएल फिट होता है तो मेरे को पता नहीं चला। तो बंद रखते होंगे पैराग्लाइडिंग। तो फाइनली पहुंच चुका हूं अपने टेक ऑफ वाले जगह पर, यहां से हम लोग टेक ऑफ करेंगे नीचे, तो अब चलते हैं टेक ऑफ के लिए। वहां नीचे से हम लोग टेक ऑफ करेंगे, सामने व्यू कुछ इस तरीके से है। और वहाँ स्नोफॉल हुई थी कल परसों ही, वहाँ भी जाएंगे, तब तक चलते हैं। पहले एक ऑफ टेक ऑफ हो भी गया,
अरे अरे पूरे खुले शॉप शॉप में टाइम लगे ना। आगे देखिए आप वर्ल्ड शॉप फॉरवर्ड जाइए हल्का सा आगे हो जाओ ले लेना। ओके चलिए गेट सेट को गुड गुड मजा आ गया। फाइनली हो गई अपनी पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़िया था। एक बार ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं और पॉइंट कहाँ जाएंगे। और इस वीडियो जो है इस गोप्रो में जो कि उनका ही था, मेरा खुद का गोप्रो नहीं था, तो इससे वीडियो निकालने के लिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। देखते हैं कैसी वीडियो आई। मेरे को वैसे आइडिया नहीं है कि वो वीडियो मैंने अच्छे से कवर की थी कि नहीं, क्योंकि बस एक्सपीरियंस ही मजेदार था। यहाँ पर ठंड वैसे इतनी है नहीं, जैकेट मैंने रख ली तभी, वैसे ज़रूरत थी नहीं। और पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर अगर फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं बहुत ही बढ़िया सीन है, तो यहाँ पर एक दो फ़ोटोज़ ले लेता हूँ मैं। और मैं आपको बता दूँ ये जो हमारा था लैंडिंग पॉइंट था, और यहाँ से पहले हम लोगों ने ड्राइवर्स को ड्राइवर किया, ऑटो पायलट पायलट भी नहीं पायलट को लिया, कुछ भी हो गया दिमाग घूम गया। तो यहाँ से हम लोगों को पहले पायलट लेने होते हैं। पायलट लेने के बाद 13 किलोमीटर हम लोग ऊपर जाते हैं उस पॉइंट पे, वहाँ से हम लोगों ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के बाद फाइनली आ चुके हैं लैंडिंग। और अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हैं तो बाकी सब ये जो है आपको ये लोग तो गाइड तो कर ही देंगे कि टेक ऑफ और लैंड करते टाइम आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे टेक ऑफ करते हम आपको बॉडी आगे की तरफ पुल करते हुए चलते रहना है, जब आप लैंड करेंगे तब आपको बस कुछ नहीं करना, पैर ऊपर रखने हैं। तो कुछ सिंपल तरीके से इस तरीके से आप पैराग्लाइडिंग का मज़ा ले सकते हैं। डर की बात करूँ तो इससे ज़्यादा डर तो मुझे वो झूलों पे लगता था, जो लगते हैं जो बड़ा वाला चरखा टाइप का होता है उस झूलों में, इनसे ज़्यादा काफ़ी डर लगता है। तो यहाँ पर एक मेरे साथ ये हो गया कि यहाँ पर जब टेक ऑफ कर रहे थे तो सब लोगों का हेलमेट थे, मैंने ध्यान दिया नहीं तो हेलमेट रह गया। फिर मुझे पता चला बजट कम था शायद इन लोगों ने, इसलिए हेलमेट नहीं दिया। तो जब भी आप टेक ऑफ करते हैं तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रख के, जो मेरे से गलती हो गई वो आप गलती ना करें। और साथ ही इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है प्रोवाइडो VPN का, तो इस VPN को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपके गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। साथ ही अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी किसी भी VPN को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट VPN प्रोवाइडो VPN है, जिसको आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप चलते हैं सीधे फोटोज़ अपने वीडियोज़ को लेने के लिए। मेरा नंबर अभी बाद में आएगा और लोगों के फ़ोटोज़ वीडियो निकाले जा रहे हैं। पैराग्लाइडिंग के बाद एक और एडवेंचर के लिए जाने वाले हैं, जो है राफ्टिंग।
सारी जो है रिक्स आज ही ले लेंगे। एक और रिक्स था जो पैराग्लाइडिंग का, वो तो कर लिया, और इसके लिए अभी राफ्टिंग के लिए भी फिर से वही फॉर्म भरना पड़ेगा, एक बार जीवन फिर से दाव पे लगाना पड़ेगा और राफ्टिंग एंजॉय करते हैं। इससे पहले मैंने राफ्टिंग की नहीं थी, ना ही पैराग्लाइडिंग की थी, तो सारे एडवेंचर यहाँ से करते हुए चलेंगे। तो इसके लिए कपड़े वगैरह तो वैसे लाए नहीं है, तो ये लोग एक अपना एक सूट देंगे जो हम उसी को पहनकर राफ्टिंग करेंगे। और जो हम लोग रहने वाले हैं राफ्टिंग, वो 7 से 6 किलोमीटर की लेंगे, जिससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। और ये फ़ोन पता नहीं मेरे पास होगा कि नहीं, बाकी दूसरा फ़ोन हुआ तो मैं उससे वीडियो बना लूँगा, बाकी जितना हो सका कैप्चर करनी है उतनी वो पूरी कोशिश करूँगा। तो बस सब थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे हैं, फिर चल रहे हैं राफ्टिंग के लिए। आज के दिन कुछ नहीं छोड़ने वाले, बाकी सब चलते हैं। जो अब लोगों ने हमने प्लान में थोड़ा चेंज कर दिया, जो हम लोग मीडियम वाली राइड लेने वाले थे उसको चेंज करके हमने लॉन्ग कर दिया। लॉन्ग जो है 10 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी, तो अब 10 किलोमीटर से ज़्यादा राफ्ट करने वाले हैं, और साथ में नहा भी लूँगा, देखूँगा क्या क्या सीन है। राफ्टिंग के लिए एक कमी है, बस लाइफ जैकेट नहीं मिली है, तो लाइफ जैकेट का वेट कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं। ये रही हमारी बोट, तो कैप्टन तैयार है सोलो राइडिंग के लिए, हमारे कैप्टन ये रहे। तो सोलो राइडिंग कर रहा हूँ वैसे, बैक ऑफ कैमरा मैं आपको बताने नहीं चाहता। अभी राफ्टिंग का मजा जो आगे बिल्कुल स्टार्टिंग पे हो जाएगा, शाम होने तक हमें अपने रूम पे पहुंचना है और खाने का बंदोबस्त करना है। चलो भाई सोलो राफ्टिंग का भी अपना एक मजा है। आप हमें देख सकते हैं अभी तो, हाँ आप हमें अपने हमारे चैनल या डिस्कवरी चैनल पर भी देख सकते हैं, आगे का पूरा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। शाम होते ही सूरज ढलने को, और ये मेन बस बाइक का थर्ड पार्ट है, इससे पहले आपने अब तक फर्स्ट ही देखा है, तो इसमें कोई प्रोफेशनल है नहीं, तभी तब कुछ नहीं हुआ। पानी का टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा इतना है ना, नानी की बस की नहीं है, तैयारी नानी के साथ। उधर के पेड़ लो दोस्तों, बहुत ही सुंदर पेड़ है ये पेड़, 10,000 रुपए के ऊपर पड़ने की राशि लगाया। नहीं भीगे अच्छा लास्ट में स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि राफ्टिंग में इतना मजा नहीं आएगा, ये राफ्टिंग करने के बाद मजा एक नंबर निकला। फोटोज वगैरह जो हम लोगों ने खिंचवाए थे वो ले लिए, वीडियोज भी ले लिए, फोटोज भी ले लिए। अब हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो टेम्पल, अब सीधे आपको वहीं पे मिलते हैं। टेम्पल कुछ इस तरीके से है, ये फ्लोर वाइज है, तो अभी थर्ड फ्लोर पर आ चुके हैं, और हर फ्लोर पर इस टाइप की पेंटिंग लगा दी है, श्री महादेवी तीर्थ कुल्लू, तो हर ही फ्लोर पर लोगों ने पेंटिंग लगा रखी, एकदम बढ़िया लग रहा है, पेंटिंग काफ़ी अच्छी अच्छी है। हम मेन दरबार पर पहुंच गए, माता रानी के दर्शन करने बाद हम लोग आ चुके हैं मंदिर के और ऊपर वाले फ्लोर पर। इस मंदिर में 3-4 फ्लोर ऊपर ही केव बनी हुई है, वहाँ माता रानी के दर्शन होते हैं। तो इस
मंदिर में आपको फ्लोर तो मिलेंगी, साथ ही इतने ऊपर वाले फ्लोर पर भी आपको गुफा मिल जाएंगी जो बिल्कुल पत्थरों को काट कर बनाई गई है। तो मंदिर में आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, काफ़ी बड़ा मंदिर है। जो भी आपने कैब ली होगी वो आपको ईजिली गाइड कर देगा। दर्शन करने के बाद आ चुके हैं बाहर मंदिर के। यहाँ मंदिर के सामने कुछ आपको इस तरीके का व्यू देखेगा, चाहे तो आराम से फोटो सेल्फी ले सकते हैं। और राफ्टिंग हमने की थी इसी ब्यास नदी में की थी, जो हमारी थी 10 किलोमीटर के अराउंड। ये सब हम लोग बाहर तक गए थे। तो अब फटाक से यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ ले लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं कहाँ चलते हैं कहाँ नहीं। खाना तो खाया नहीं, सिर्फ लंच ही कर रहे। लंच पर क्या था, मैं यही खा ली थी। फटाक से फ़ोटो लेते हैं फिर जा रहे हैं आगे। तो अब मंदिर के बाद आ चुके हैं सॉल्ट फैक्ट्री, यहाँ की एक लोकल मार्केट है, जहाँ लोकल मार्केट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये विज़िट करने के लिए है हमारे मेन्यू में, तो इसको मैं विज़िट करूँगा। और साथ ही आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे भी बंदे क्रिकेट में लगे हुए हैं, बढ़िया है। मेन रोड पर क्रिकेट खेलने का मज़ा ही कुछ आ रहा है। सॉल मार्केट में ऐसा कुछ तो मुझे लगा नहीं कि शॉपिंग किया जाए या घूमा जाए। तो अब बेसिकली आ चुका हूँ रोड पर ही। कैब वाले भैया पता नहीं कहाँ चले गए, फ़ोन लगाया बोले आ रहे हैं 2-3 मिनट में, तब तक अपने लोग वॉक करते हैं ऐसे ही मनाली के रोड पे। वेदर कुछ ऐसा है, अब लग रही है भूख, खाना तो कुछ खाया नहीं सुबह से, तो पहले खाना खाऊँगा फिर उसके बाद रूम पर या देखूँगा। एक दो पॉइंट अगर अभी और है तो उसको कवर करेंगे फिर जाएंगे। इधर ऊपर चलो। नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है हमारी, बुद्धिस्ट टेंपल आ चुके हैं, ये पूरा विजिट करते हैं फिर यहाँ पर देखते हैं। पहले तो ऊपर जाते हैं सबसे ऊपर। बच्चे तो बहुत खेल रहे हैं। तो टेंपल के पूरे ऊपर आ चुका हूँ, आपको दिखा देता हूँ पूरा कैसा दिखता है। ये रही बैल हमारे पीछे, इस तरीके प्लीज टूट हिट द बैल, तो इसको हिट नहीं करना है। यहाँ से सामने का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सब जगह से घूमने के बाद आ चुके हैं वापस रूम पर, यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर खाने के लिए जाऊँगा। चलो फिर सारा सामान ऐसे। इसके साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ कल सुबह मॉर्निंग में, तब तक लिए बाय बाय। और हाँ, कल हम लोग जाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह पे, जो कल मैं आपको पूरे ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ, तो चलते हैं, तब तक लिए बाय बाय। तो फिलहाल तो अभी मैं सो ही रहा था और मैंने गेट जो अपना रूम को ऑन कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कौन आया अभी रात में। ये है एडी। एडी कहाँ जा रहा है, इधर आओ। तो ये एडी आ गया मेरे पास। और एडी रोटी वोटी खाई कि नहीं? अरे तो ये तो बहुत प्यारा एडी है।